और रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे, ये बात स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का आयोजन है और अधूरे मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकराने के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसी वजह से कांग्रेस का नाश हो रहा है। भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। शिवराज सिंह ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस के आलाकमान ने राम का मोह त्याग दिया है, वहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ अभी भी राम का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, मेरे बिल जाऊंगे। और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को आडवाणी आएंगे अयोध्या। मोहन भागवत को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। आलोक कुमार, नृपेंद्र मिश्रा ने दिया निमंत्रण पत्र। बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता में से एक लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसे कंफर्म कर दिया है। आलोक कुमार ने कहा है कि उनके परिवार को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि 96 वर्षीय आडवाणी को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा उत्तर है हाँ, वह आएंगे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल जी और श्री रामलाल जी और मैं उनको निमंत्रण देने गए, जो भी व्यवस्था वे करना चाहेंगे, जिसकी भी आवश्यकता होगी, वे सब व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। हमको प्रसन्नता है कि 96 वर्ष की आयु में और अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद उन्होंने आना स्वीकार किया है। हालांकि आलोक कुमार ने यह भी कहा है कि ज्यादा उम्र होने की वजह से आडवाणी मंदिर से जुड़े सभी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। लखनऊ में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बड़ी तैयारी, प्रभारी और संयोजक बनाने पर सहमति बनेगी। उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सुबह 11 बजे से बीजेपी की बैठक होगी। करीब 3 घंटे तक बीजेपी के नेता यूपी के सभी लोकसभा सीटों पर मंथन करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिजेश पाठक के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय बनाने पर बात होगी। साथ ही साथ लोकसभा सीटों पर प्रभारी और संयोजक बनाने पर सहमति बनेगी। इससे पहले कल अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कैसे कराया जाए, इसको लेकर बात हुई। बीजेपी का प्लान 22 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर से लोगों को अयोध्या लाकर रामलला के दर्शन कराया जाए।